820 अभी टाइम है। सो गाइस, बहुत डिस्कशन के बाद हम लेके जा रहे हैं A6 को, क्योंकि थार नहीं लेके जा सकते हम लोग, क्योंकि 4 जने मतलब नहीं फिट आएंगे इसके अंदर। और क्रेटा भी नहीं लेके जा रहे हम, आज इसको लेके जाएंगे। बहुत टाइम बाद इसके अंदर लॉन्ग तो क्या ही है, सिर्फ जयपुर तक ही जा रहे हैं। तो तो वही सब बैठ चुके हैं। ये कुंजल यहाँ आगे बैठा है, मम्मी पीछे बैठी हुई है और माही भी पीछे बैठी है और नंदर भी अभी कुछ सामान रखने गए हैं। सो ज़ीरो कर दिया ट्रिप और अब स्टार्ट कर रहे हैं हम ट्रिप। हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे, एक ओल्ड रॉ करके ढाबा है, होटल है, जो भी बोल सकते हो। और हाँ, ये ओल्ड रॉ यहाँ वैन मशीन का लगा रखा है। अभी रिपब्लिक डे के चक्कर में बलून लगा रखे हैं, इंडिया के फ्लैग से कलर। तो भाई नाश्ता आ गया है। ये आपके पनीर के परांठे और ये आलू के, और किसके मंगवाए मम्मी? गोभी और गोभी के, और एक 3 परांठे हुए हैं। और ये सफ़ेद मक्खन, देसी मक्खन बोलते थे। और माही ने पाव भाजी ऑर्डर किया अपने लिए। ये ऐसी कुछ लगती है। और ये दिखाइए दिखाइए। और ये जैसा आपको याद है, गौरव जो व्लॉग्स में आया करता था मेरे, इसने फेस टाइम किया हुआ। अभी यहाँ से अपनी शक्ल तो दिखा दे भाई, मैं खुद बहुत टाइम बाद व्लॉग बना रहा हूँ। तो भाई अभी खाना खाने के बाद आपसे मिलता हूँ। सो गाइस, अभी खाना खा लिया हमने और अभी हम गाड़ी की तरफ जा रहे हैं। भाई मतलब मैंने परांठे के बाद, उसके बाद लगा लो ये छोले भटूरे, उसके बाद वापस एक चाय और फिर एक पानी, पूरा फुल हो गया। और अभी हम तो भाई फ़ोटो वोटो खिंचवा लिए। अब मैं अंदर यार पीछे बैठे हैं, यहाँ बैठे, और मम्मी आगे आ गई हैं। और अब चलते। तो भाई अभी मैं उतर चुका हूँ और अभी हम कम से कम 120 किलोमीटर दूर है। और ये अभी मेरे भाई चला रहा है होटल, और मैं पीछे बैठूंगा जब तक आ नहीं जाता होटल। सो गाइस, अभी हम दिल्ली जयपुर अजमेर हाईवे में आ रखे हैं। और अभी कितना किलोमीटर बाकी है? 60 किलोमीटर अभी कुछ बाकी है। ये देखो भाई, इंडिया में ऐसे टाइप के लोग भी होते हैं, और ये राजस्थान में क्यों मिलते हैं पता नहीं। मतलब ये स्कॉडा की कौन सी गाड़ी है, फैबिया है। इसमें BMW का इसने डाल रखा है, और आगे पता नहीं बेंटले का डाल रखा होगा इसने लोगों। यहाँ पे इनकी रैली चल रही है, इन लोगों की मतलब से हरियाणा में होता, राजस्थान में। तो गाइस, फाइनली आ चुके हैं हम जयपुर के अंदर, और अभी 15-20 मिनट में हम होटल पहुंच जाएंगे। और उसके बाद चेक इन करने के बाद आप लोगों से बात करता हूँ। सो गाइस, फाइनली पहुंच चुके हैं हम अपने होटल। हम यहाँ पे जयपुर मैरिट में रुक रहे हैं। सो गाइस अभी रूम की तरफ जा रहे हैं हम और यहाँ पे पूल है आपका। पता नहीं ठंड में स्विमिंग कर भी पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा। और भाई मतलब दिखने में तो बढ़िया लग रही है प्रॉपर्टी और देखते हैं इसकी फैसिलिटीज़ कैसी है। सो गाइस फाइनली रूम के अंदर आ चुके हैं और इसने हमारा सामान भी रख ही दिया है। एंड सबसे बेस्ट चीज़ जो होटल्स की होती है वॉशरूम। सो कुछ ऐसा लग रहा है भाई, मतलब क्रेजी प्रॉपर्टी लग रही है मेरे को तो ये। ओए कौन सा ये बुक किया है तूने? ये डीलक्स है फिर? डीलक्स कितने का पड़ा है? 12,000 फॉर 2 रूम्स। इतना सस्ता कैसे पड़ गया है? नंबर तो भाई ये भाई हमारा मेंबर है इसलिए हमें ये प्रॉपर्टी थोड़ी डिस्काउंट में मिल गई, नहीं तो वैसे डीलक्स वीलक्स करके 15-16 हज़ार तक ही जाता है। 2 दिन का है तो भाई 2 दिन का 15-16 हज़ार लग जाता, लेकिन एक रात का लग जाता। और ये देखते हैं कितना कंफर्टेबल है। सो भाई ये भी सही है। अब थोड़ी देर रेस्ट करूँगा, सोऊंगा। ये शायद ये लोग तो लंच वंच करने जाएंगे, ये और मम्मी। मैं तो सोऊंगा कि कल पूरी रात भाई सोया नहीं था और अब थोड़ी देर रेस्ट करूँगा। उसके बाद रात को जाऊंगा, शाम को जाऊंगा। एक दोस्त है मेरा कॉलेज का, हिमेंद्र प्रताप सिंह, यही रहता है वो। कोई श्योपुर की जगह है यहाँ पे, तो वहाँ का महाराजा मानता है अपने आप को। तो देखो भाई अभी क्या होता है। और आपको अभी इसके बाद वीडियो में ये भी बताऊँगा कि भाई मैं क्यों इतने टाइम से व्लॉगिंग नहीं कर पा रहा था। सो गाइस फाइनली रेडी हो गया हूँ एंड ऐसा कुछ लग रहा है आउटफिट। ये प्लीज़ माइंड मत करना, थोड़ा पानी वानी हो गया, अभी आया था वॉशरूम से। तो और अभी उसका कॉल आया हिमेंद्र का, वो श्योपुर वाले महाराजा का, वो भी नीचे ही आ गया, उसी के साथ जा रहा हूँ। सो गाइस महाराजा श्योपुर हिमेंद्र प्रताप सिंह खम्मा गनी है। Look at the phone bro, महाराजा's phone bro. Now it's time bro. सच बोलने टाइम आ गया ब्रो। शक्ल तो दिखाना ब्रो अपनी। तू पहले मेरे पैसे निकाल साले महाराजा। तू 5,000 दे कहाँ है? और ओह फक, यू ऑलराइट ब्रो? वेयर द हाउस? ओह हियर, या ब्रो, वेलकम टू जयपुर। तो भाई ये तो सही, अभी देख ध्यान नहीं दिया, अभी प्रॉपर सनसेट हो गया और मैं भी प्रॉपर रेडी हो गया। और ये भी भाई वी आर गोइंग नाउ। कहाँ जा रहे हैं बता? टेकिंग हिम टू वन ऑफ द बेस्ट कैफे इन जयपुर। अच्छा वन ऑफ द बेस्ट कैफे है। ओह सेट टू यू सेट, आप बैठिए साहब बैठिए यार। ब्रो हे ब्रो मास्क पहन रहे ब्रो, तेरी तो प्रॉपर्टी है ये। मेरी प्रॉपर्टी तो ब्रो गंतमपुर में है। भाई लगता नहीं कि कभी कभी इसको क्या बोलते हैं, थिएटर में जाना चाहिए इस बंदे को। फोटो नहीं ले रहा भाई, वीडियो चल रही है ये। पोज कर रहा है जो। तो भाई कहाँ लेके जा रहे हैं फिर अभी फाइनली? कहाँ पे है ये कैफेटेरिया तेरा? ये पकड़ियो यार, मास्क पहन लेता हूँ। क्या कह रहा है? सी स्कीम। अच्छा one of the poorest area bro, one of the एक the poorest। oh damn, क्या सीन है फिर वहाँ पे? we'll hang out there, we'll sit there, some of my friends are there, we'll sit, we'll get a good time over। तो भाई तू मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ाएगा ना फिर वहाँ पे? I'll try। क्या भाई बोलियो कि भाई for sure I'll try my best। yeah bro, I'll call Mahender bhaiya bro right now। तो भाई जिसका बर्थडे था उसके लिए केक तो लाया नहीं भाई साहब, तो अभी केक लाने जा रहे हैं, उसी की गाड़ी लेके उसी का बर्थडे केक लाना। कहाँ जा रहा है भाई अब ये बता दो। हम जाते हैं भाई ब्राउन शुगर। मतलब शर्म आती है नहीं, मतलब है इस बंदे को, मतलब शर्म नहीं है, शर्म यहाँ खाने के लिए आते हैं भूखे नहीं के। भाई भाई ये वो हेमू, तो भाई भाई की गाड़ी में जा रहे हैं अभी। तो भाई अरसों बाद बैठ रहा हूँ भाई। अच्छा यही है कि जिसकी स्नैप पे स्नैप डालते रहता है, तू रुकता ही नहीं है, भेजता ही नहीं। रहने दे तू, सही है भाई। तुम तो आराम से भाई पीछे देख लेंगे गाड़ी वाड़ी। भाई एक लिया था अभी, इसने एक और ले लिया। अरे और भाई हमने केक ले लिया और वो भी ले लिया, क्या पॉपर से क्या बोलते हैं उसे, वो पार्कलर भी ले लिया। और अब जा रहे हैं हम वापस, कौन सा नाइट कैफे, कौन सा द नाइट जार। सो गाइस फाइनली खाना आ चुका है। ये क्या मंगवाया है, एग ओलियो स्पेगेटी। और भाई ये क्या वेज है नॉन वेज है? वेज। तो भाई भाई का बर्थडे यार, आज तो सेलिब्रेट करना है यार। आज खत्म हो गया। अभी टाइम क्या हो रहा है, टाइम हो रहा है 8:20 अभी टाइम है अभी 8:20 हो रहे हैं भाई। अभी हम जा रहे हैं वापस। अभी हम जा रहे हैं होटल की, अपने होटल की तरफ। फाइनली होटल रूम आ चुका हूँ, और जैसे इन्होंने बोला था कि मैं आपको बताऊंगा कि मैं क्यों व्लॉगिंग नहीं कर पाया। उससे पहले हैप्पी रिपब्लिक डे, मतलब अब तो खत्म ही हो गया। मतलब आज मैं बहुत टाइम बाद मैं व्लॉगिंग शुरू की थी, इसलिए मेरे को समझ भी नहीं आता था कैसे स्टार्ट करूँ। और मैंने बाद में रियलाइज किया कि हाँ लाइक जो फ्लो होता था उसका मैं भूल गया कि मैं आई एम ऑल्सो न्यू इन ऑल दीज थिंग्स। सो रीजन वॉज कि मैं बहुत टाइम से कॉलेज में था, मतलब 4 महीने हो गए थे। और मेरा फ़ोन भी था जो ख़राब हो गया, iPhone 6 से मैं शूट करता था, वो मतलब पूरा उसकी स्क्रीन भी ख़राब हो गई थी। और मैं वो कैसे तैसे करके चला रहा था, उसके उसकी डिस्प्ले ख़राब हो गई। एंड देन मेरे पास फ़ोन नहीं था बहुत टाइम तक, तो उसके बाद मैंने ये 13 Pro Max US से ऑर्डर किया हुआ था, जो कि अक्टूबर एंड में आना चाहिए था। उसके बाद मेरा प्लान था आपको कि पूरा मणिपाल शूट करूँगा, लेकिन वो भी नहीं हो पाया क्योंकि फ़ोन डिले हो गया। कि डिस्काउंट वहाँ पे यहाँ और इंडिया प्राइजेस और यूएस प्राइस में आपको पता है कि डिफरेंस की ऑलमोस्ट 30,000 to 40,000 का डिफरेंस आ जाता है, जो भी मेरे को वो करना है। मतलब 40,000 बिग अमाउंट। तो एक और वो भी रीज़न था, और मेरे पास वहाँ टाइम भी नहीं था मणिपाल में कि मैं कुछ। मतलब प्रैक्टिकल्स के चक्कर में मतलब वहाँ पे एकदम टाइम नहीं था। और उसके बाद टाइम कैसे निकल गया, 4 महीने हो गए मैंने कोई शूट नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। और मेरे को वापस से मैं स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। एंड आई नीड योर सपोर्ट, कि आप लोग सपोर्ट करो जैसे आप पहले कर रहे थे। एंड रिसेंटली मैंने कमेंट्स देखे, वो जो मेरी थार वाली व्लॉग थी लाउडेस्ट थार में, ऑलमोस्ट 30K व्यूज़ क्रॉस करे। और मतलब मेरे को सही में बहुत खुशी हुई इस चीज़ को देख के, और बहुत लोगों ने अप्रिशिएट किया है। रिसेंटली भी एक राधा कृष्ण करके एक है, उन्होंने कमेंट किया था कि उन्होंने मेरी वीडियो अलग से लैपटॉप मतलब अलग से अपने फ़ोन में देखी, क्योंकि उनका फ़ोन में लॉग इन था सब्सक्राइब करने के लिए मेरे चैनल और कमेंट करने के लिए। तो ये सारे कमेंट्स पढ़ के मैंने सोचा कि मैं वापस स्टार्ट कर लेता हूँ, कि मेरे को अब वो नहीं करना। सो मैं वापस ट्राई कर रहा हूँ कि मैं डेली व्लॉग अपलोड करने की कोशिश, डेली नहीं तो नहीं 1 हफ्ते में 2 या 3 बार अपलोड करने की कोशिश करूँ। और अभी मैं 3-4 दिन में वापस मतलब इस मंथ के एंड में शायद मणिपाल चल जाऊँगा। सिर्फ 2 महीने का कोर्स बाकी है, तो मैं साथ साथ पूरी करने की कोशिश करूँगा। इट्स जस्ट दैट आई नीड योर सपोर्ट, जैसा पहले दे रहे थे। एंड सब कुछ मतलब नॉर्मल जैसा मैं पहले कर रहा था वैसे ही करूँगा। एंड मणिपाल इज़ लाइक अ वेरी इंटरेस्टिंग प्लेस, मतलब बहुत लोगों को पता नहीं उसके बारे में। कि लोग सोचते हैं कि हाँ छोटा सा एक गाँव है, कि हाँ यहाँ पे बस कॉलेज है कुछ नहीं। मतलब मणिपाल इज़ अ डिफरेंट वाइब, लाइक वो पूरा अलग ही है। मतलब लाइक आपका होम टाउन है मणिपाल, यू कैन कंपेयर दोनों को कि वो सेम है, आप कंपेयर नहीं कर सकते। मणिपाल भाई भी अलग है। सो यही कहना चाहूँगा कि इसीलिए मैं शूट नहीं कर रहा था, रीज़न आई गिव। एंड बस आज की वीडियो यहीं ख़त्म करता हूँ मैं। एंड अगर आप वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना। थैंक यू।